नित्य प्रयोजन द्रव्य दाम बेड़े 4.2% उन्नत अर्थात 0.8% हारे बृद्धि पे जेटा के एक जुगर मध्य सब चे बड़ बृद्धि श्रम अधिदप्तर लेबर डिपार्टमेंट एट अब्याहत थे ह्वाइट हाउसर राजनैतिक दुस्वप्न अपेक्षा कर मन करें विश्लेषक ए विषय ह्वाइट हाउसर प्रेस सेक्रेटरि जेन साकी बोलें विषय गभर भाव पर्यवेक्षण विस्तारित तो देख रिपोर्टे अमेरिका तैरी मूल्यस्फीतिर संख्या कारण नित्य प्रयोजन द्रव्यर दाम बृद्धि गत एप्रिले बेड़े 0.8% ए निये तैरी उद्वेग ताछाड़ा विगत एक जुगेर मध्य सब चेये बड़ बृद्धि हिसेबे विवेचना करा होच्छे साम्प्रतिक मूल्यस्फीतिके। बुधवार श्रम अधिदप्तर बा लेबर डिपार्टमेंट जानिएछे 2020 साले एकी समय कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेड़े हुएछिल 4.2%। मूल्य बृद्धि पावा पण्य एवं सेवा समूहर मध्य रयेछे खाद्य व्यक्तिगत गाड़ी आबासन गृहसज्जा विमान भाड़ा एवं बिनोदन। सरकारेर प्राय 6 ट्रिलियन डॉलर व्यय परिकल्पना एवं करोना भैक्सिन देयार गति द्रुत हवाय भोक्तादेर चाहिदा बेड़ेछे। अर्थनीतिविदरा बोलछेन द्रव्येर दाम बेड़े जावा एकटी सामयिक समस्या तबे मूल्यस्फीतिर समस्या सहजे जाच्छे ना। एरी मध्ये आबार ब्यबसा प्रतिष्ठानगुलो कर्मी संकट समाधाने वेतन बाड़िये दिच्छे। सबशेष तथ्य बोलछे सुदेर हार बेड़े जावार आशंका करछेन बिनियोगकारीरा। सामयिक भावे पण्यद्रव्यर दाम बृद्धिर पेछने अवश्य उपयुक्त कारण आछे किन्तु एटा चलते थाकले ह्वाइट हाउस राजनैतिक भावे समस्याय पड़ते पारे एमनटाई मने करेन एई विश्लेषक। More of these prices get passed along to consumers. If that continues into the fall, the White House is going to have a, you know, a serious problem on their hands. Inflation is a real tricky thing. বিশ্লেষকরা বলছেন সরবরাহ এবং চাহিদার সমস্যা এখন ব্যাপকভাবে রয়েছে। এর আগে হোয়াইট হাউস জানায় ট্রেজারি সেক্রেটারি সহ হোয়াইট হাউসের ইকোনমিক টিম মূল্যস্ফীতির বিষয়টি খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। Our Secretary of Treasury who has an expansive background in watching inflation. And so we have confidence in both their assessments to date and also the fact that they will watch this as we continue to assess the state of our economy. এদিকে বিশ্লেষক বলছেন মূল্যস্ফীতি সহ বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সরকারি ব্যয় পরিকল্পনার বিরোধিতা করে আসছেন রিপাবলিকানরা। আবু জারাল গিফারি, বাংলা চ্যানেল, নিউজ ডেস্ক।